बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एसएलएसियन, वेलकम टू सिक्स उर्दू बी क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हमने एक उर्दू बी का यूनिट नंबर 13 पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा हमने आज दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट लिखनी है। पहले आप जो है नोटबुक के हेडिंग पे दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, ठीक है, नीचे लिखे बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहेब, अलिफ बे जी, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहेब अलिफ बे जी, के नीचे मिड में लिखे जनाबे आली के बाद साथ एक्सक्लेमेटरी साइन भी डालना है, ठीक है, पैटर्न आपको बच्चों पता है, सही है। फिर नीचे लिखे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहिब का तबादला, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहिब का तबादला यहाँ से रावलपिंडी हो गया है, हम सब अहले खाना इनके हमरा रवाना होंगे, मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट फरमाएं, अता फरमाएं, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अता फरमाएं, ताकि बरवक्त होता है टाइम पर, बरवक्त ने स्कूल में जाकर दाखिल हो सकूं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। के नीचे लिखे एन नवाजिश होगी, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड पे बच्चों लिखिएगा अल आरिस, फिर नीचे लिखे फिदविया या फिर फिदवी, ठीक है, फिदविया लड़की जो है वो फिदविया लिखे और लड़की लड़के फिदवी लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखे आगे अलिफ बे जी, फिर उसके बाद नीचे आए जमायत लिखे, फिर उसके बाद आगे जमायत के आगे शीशम लिखे, ठीक है, शीशम। फिर नीचे राइट साइड पे आए, राइट साइड पे आपने तारीख लिखनी है, तारीख जो है वो आपने इधर लिखनी है, ठीक है, जो भी आज की डेट, आज की डेट जो है 5 जून, 5 लिखकर आगे जून लिखे, फिर आगे ईयर डालें 2020, ठीक है। ये आपकी दरखास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट की कंप्लीट हो गई है। अब जो आप जो है उर्दू कवायद इंशा का यूनिट नंबर 13 ओपन करें। हमारा जो यूनिट नंबर 13 है वो इस्म सिफ्त के बारे में, यूनिट नंबर 13, पेज नंबर है 41, ऊपर डे डालें जरा, डे मेंशन करें। वो इसम है, इसम सिर्फ कौन सा है, वो इसम है जो किसी शख्स या चीज की अच्छाई या बुरी खसूसियत को जाहिर करता है, उसे क्या कहते हैं, इसम सिर्फ कहते हैं। जैसे बहादुर, सफेद, काली, गरम, सर्द, गहरा। अब इसमें है इसम मौसूफ, एक पॉइंट इसमें है इसम मौसूफ क्या, जिस चीज या शख्स की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उससे मौसूफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शरीर लड़का आ गया, ठीक है, शरीर क्या है, अब शरीर की जो है, शरीर हो गया सिर, अब किसकी बयान की जा रही है, खूबी या खामी, लड़के की ना, तो लड़का यहाँ पे क्या हो गया, मौसू, ठीक है, गर्म चाय मत पियो। नेक्स्ट मिसाल है, इसमें जो गर्म हो गई वो सिफ्त हो गई और चाय क्या है, मौसू। इस तरह आगे इसम सिर्फ के दर्जे हैं, कितने दर्जे है, 3 है। पहला दर्जा है तफजीले नफसी, तफजीले के मानी है, तफजीले नफसी के मानी है फजीला या तरजीह देना। मसलन जब किसी शख्स या चीज की सिर्फ जाती सिर्फ बयान की जाए उसकी अपनी जात के बारे में, ठीक है, उसका मवाजना हम करें या मुकाबला किसी से, मतलब जो है उसका मवाजना या मुकाबला किसी से ना किया जो उसे तफजीले नफसी कहें। तफजीले नफसी कौन सा है,
तफजील के मानी फजीले या तरजीह के, जब किसी शख्स या चीज की सिर्फ ज़ाती सिफ़त बयान की जाए और उसका मुवाज़ना मुकालत किसी से ना किया जाए। मतलब हम किसी की सिर्फ बयान करें तो उसकी सिर्फ ज़ात के बारे में, उसका हम किसी चीज के साथ कंपेयर ना करें, उसे तफजील नफसी कहते हैं। मसलन अली ज़हीन लड़का है, ठीक है, उसकी अपनी ज़ात के बारे में है ना, तो ये तफजील नफसी है। नेक्स्ट पॉइंट है तफजील वाज़ है, ठीक है, जब किसी बस या खूबी में एक जैसी दो चीजों या दो आदमियों का आपस में मुकाबला करके एक को दूसरे से ज्यादा अच्छा या कम तज़ाहिर किया जाए उसे तफजील बाज़ कहते हैं। ठीक है, अली अकबर से ज्यादा ज़हीन है, यानी हम उसे कंपेयर कर रहे हैं ना, अली जो है वो अकबर से ज्यादा ज़हीन है, आप इसे क्या कहेंगे, तफजील बाज़। अगला थर्ड है इसमें तफजील कुल, जब किसी शख्स या चीज की अच्छाई या बुराई तमाम अशखाज या चीजों से मुकाबला करके बयान की जाए उसे तफजील कुल कहते हैं। मतलब किसी भी चीज की हम चाहे अच्छाई या खूबी जो तमाम दूसरी चीजों या शख्स से मुकाबला करके फिर बयान करें तो उसे तफजील कुल कहते हैं। जैसे अली सब लड़कों से ज्यादा सही है, या ये कमरा सब कमरों से ज्यादा ठंडा है, इससे क्या कहते हैं, तफजील कुल। ठीक है बच्चों, बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर जो टू है ना, मुनासिब इसम सिर्फ लगा कर खाली जगह पूर करें, आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बुक के ऊपर आपने, ठीक है, बुक के ऊपर आपने ये क्वेश्चन करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर वन है, दर्जा सवालात के जवाब, इसम सिर्फ किसे कहते हैं, मिसालें दे, इसम सिर्फ किसे कहते हैं, मिसालें दे, ये पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 41 पे है, पहली लाइन, वो इसम जो किसी शख्स या चीज की अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है, जैसे बहादुर, सफेद, काली, गर्म, सर्द वगैरह, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इसम मौसूफ से क्या मुराद है, मिसाल से मुराद, इसम मौसूफ वाला जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है 41 पेज पे ही है, इसम मौसूफ, इसम मौसूफ लिख कर उसकी जो है ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है, तारीफ वो लिखनी है, जिस चीज या शख्स को अच्छाई या बुराई बयान की जाए जिस चीज या शख्स, ठीक है, उसे इसम मौसूफ कहते हैं। जैसे नंबर एक वन जो है एक मिसाल है शरीर लड़का आ गया, दूसरी मिसाल है गर्म चाय मत, ठीक है, अब इनमें शरीर और गर्म इसम सिफ्त है ना, और लड़का और चाय क्या है, मौसूफ है, ये इसकी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, इसम सिफ्त के कितने दर्जे हैं, नाम मैंने आपको ये बताया ना कितने दर्जे पे, 41 पे, इसम सिफ्त के तीन दर्जे हैं, कौन कौन से, तफजील नफसी, तफजील बार, तफजील कुल, ये तीन इसके दर्जे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये वाला आपने आंसर लिखना है, तार नंबरिंग देनी है। क्वेश्चन नंबर फोर है तफजील नफसी किसे कहते हैं, मिसालें दें, आप तफजील नफसी के अलग जो है डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तफजील नफसी के मानी फजीले या तरजीह, जब किसी शख्स या चीज की तरफ सिर्फ ज़ाती से बयान की जाए, ठीक है, उसका मुवाज़ना मुकाबला किसी से ना की जाए उसे तफजील नफसी कहते हैं। ठीक है, इसकी ये दो मिसालें दी हुई है, अली सही लड़का है, ये कमरा बहुत ठंडा है, ये तफजील नफसी की जो डेफिनेशन है और जो मिसालें दो आपने लिखनी है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है तफजील बाज़ किसे कहते हैं, इसकी भी मिसालें देनी है। तफजील बाज़ जो है ये दूसरी है, इसम सिफ़त के दर्जे जो है तीन है ना, दूसरा दर्जा है तफजील बाज़ है, तफजील बाज़ की डेफिनेशन लिख कर इसकी दो जो है मिसालें दी हुई है, ये आपने लिखनी है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो तफजील कुल किसे कहती है, मिसालें दें, ठीक है, तफजील कुल ये इसम सिफ़त के तीन दर्जों में से तीसरा दर्जा है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्वेश्चन ये लिख कर ना, तफजील कुल किसे कहते हैं, मिसालें दें, इसकी ये तारीफ लिख कर फिर इसकी जो दो मिसालें हैं वो आपने बच्चों लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, यूनिट 13 भी हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी आपको मैंने बता दी, और हमारे जो एक दरख्वास्त हमने की है, ये जो आज काम किया है बच्चों, इन इसको अच्छी तरह आपने याद करना है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।